Good morning, friends. Welcome to PD Classes Student Important Session for those who are preparing for LIC ADO, LIC AAO interview. And I hope आज के सेशन के अंदर हम इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस आपके सामने देने जा रहे हैं. उम्मीद है न्यू क्वेश्चंस आपको बहुत बेनिफिट देंगे. और हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग इंश्योरेंस, रिगार्डिंग एलआईसी, रिगार्डिंग फाइनेंस रिलेटेड, रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल एंड बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख सकते हैं और बहुत कुछ वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले दिगेंद्र, मैं आपको वेलकम करता हूँ. थैंक यू. आप भरतपुर से बिलोंग करते हैं? जी सर. तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट हमारे रुपेश से मिलाऊंगा, ये जमुई से बिलोंग करते हैं. और नेक्स्ट हमारे राकेश रंजन जो लखीसराय से आपका इंटरव्यू है. ओके सर. तो चलिए सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? सर इंश्योरेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं. ओके. हाँ, इनके बारे में कुछ? जी सर, इनके बारे में बताना चाहूँगा. लाइफ इंश्योरेंस एक जीवन का बीमा होता है जिसमें हम अपनी मृत्यु का बीमा करते हैं सर. इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसमें हमें डेथ के बाद एक सम एश्योर्ड मिलता है. नॉन लाइफ इंश्योरेंस में सर ये होता है कि हमारे जीवन को छोड़ के जितनी भी बाकी थिंग्स होती हैं, जितनी बाकी वस्तु होती है, हमारी कोई कीमती चीज़ें होती हैं या फिर हमारा कोई डैमेज हो जाए, असेट्स लॉस हो सकती है, तो उसका इंश्योरेंस होता है, जिसमें हम मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में. अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कुछ बताइए. सर लाइफ इंश्योरेंस के चार टाइप्स होते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, इंडोमेंट प्लान और यूलिप. टर्म लाइफ इंश्योरेंस सर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसमें एक मृत्यु के टाइम तक एक हमें प्रीमियम पे करना होता है. अगर हम उस मैच्योरिटी एज को हम अगर क्रॉस कर जाते तो हमें सर कोई प्रीमियम नहीं मिलता, कोई इंश्योर या बोनस हमें नहीं मिलता. लेकिन जैसे ही अगर हम उस इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमें उसके साथ इंश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है सर, सम एश्योर्ड प्लस एक बोनस का हमें इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से मिलता है. होल लाइफ पॉलिसी में सर एक होल लाइफ, जैसे नाम से पता चल रहा है, पूरे जीवन का बीमा, यानी जब तक हमारी जिंदगी रहती है तब तक हम प्रीमियम पे करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमारी डेथ होती है तो हमें उसके साथ सम एश्योर्ड प्लस बोनस हमें लाइफ इंश्योरेंस या कंपनी की तरफ से हमें मिलता है. और इंडोमेंट पॉलिसी को सर हम एक सेविंग प्लान भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ एक सेविंग प्लान है. यानी कि अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका दो तरीके से हमें प्रॉफिट होता है सर. अगर हमारी डेथ हो जाती है, किसी केस में हम डेथ हो जाती है, तो हमें उसके साथ प्रीमियम पे करने के साथ हमें इंश्योरेंस प्लस बोनस भी मिलता है. लेकिन सर हम अगर सर्वाइव कर जाते हैं, अगर हमारी डेथ के पीरियड से भी हम, अगर हमारी डेथ नहीं होती मैच्योरिटी पीरियड से, अगर उससे भी हम सर्वाइव कर जाते हैं तो भी हमें हमारा जो हमने प्रीमियम पे किया है उसका बोनस प्लस सम एश्योर्ड हमें मिलता है. और इंडोमेंट यूलिप प्लान सर, यूलिप प्लान की जो मैं बताना चाहूँगा, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक लिंक्ड प्रीमियम इंश्योरेंस. तो सर इसका यह है कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है सर, इसमें हम इंश्योरेंस के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट करते हैं. यानी कि जो हम प्रीमियम पे करते हैं ना सर, तो उसका प्रीमियम का कुछ हिस्सा तो हमारे LIC जो हमने पॉलिसी ली हुई है उसमें चला जाता है, जो कुछ हिस्सा बचता है कंपनी उसको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है सर. ये यूलिप प्लान होता है. क्या सर्वाइवल में एक निश्चित अमाउंट मिलती है क्या? नहीं सर, हम उसके, मैंने जैसे बताया, सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो भी हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट लग के मिलता है वो मिलता है सर सर्वाइवल पीरियड में. यानी कि एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सर मैं बताना चाहूँगा, एक फिक्स होता है कि अगर हम डेथ हमारी हो जाती है तो हमें मिलेगा, नहीं होती तो हमें नहीं मिलेगा. लेकिन ये इंडोमेंट प्लान में जो सर्वाइवल पॉलिसी है सर, इसमें ये होता है कि अगर डेथ नहीं भी होती है, सर्वाइव कर जाते हैं तो भी हमें प्रॉफिट होता है सर. या एक सेविंग स्कीम हम बोल सकते हैं. अच्छा, जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में कुछ बताइए. जनरल इंश्योरेंस को ही सर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं. इसमें हम हमारी बहुत सारी कीमती चीज़ें होती है, यानी कि हमारी कोई पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ हमारे पास रखी हुई है, उसका हमें चोरी होने का डर होता है, या फिर हमें हमारी कोई असेट्स ऐसी संपत्ति है जिसका हमें खोने का डर होता है, जो डैमेज हो सकती है, तो उस चीज़ का ये जनरल इंश्योरेंस होती है. जैसे हेल्थ हुआ, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस. जी सर. मोटर इंश्योरेंस में कुछ? मोटर इंश्योरेंस में सर दो टाइप का होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटर इंश्योरेंस. चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा, आपने AAO और आने वाले टाइम के अंदर ADO भी आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, तो ऑब्वियस है थैंक यू कि आप दोनों इंटरव्यूज देंगे, ये बहुत अच्छी बात है. और आपका LIC के साथ एक्सपीरियंस भी रहा है. जी सर. चलिए मैं नेक्स्ट हमारे रुपेश को चांस देता हूँ, जमुई कैंडिडेट. यस मिस्टर रुपेश, आपको क्वेश्चन पूछिए. सर आप हमें LIC के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए. सर LIC का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं शुरू से ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में RCM में मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके थ्रू एज एजेंट मैंने वर्क किया था सर. तो मैंने अपने सैलरी से एक्सपीरियंस से मैंने 11 लाख प्रीमियम कलेक्ट किया था सर. तो मुझे इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी है. तो जी सर. अच्छा, नेक्स्ट मिस्टर राकेश रंजन. अपने सिटी के बारे में? जी सर बिल्कुल बताना चाहूँगा. सिटी सर मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ सर. भरतपुर के बारे में 1722 में इसकी स्थापना जाट महाराजा शासक सूरजमल ने इसकी नींव रखी थी और इसका नामकरण राजा राम के छोटे भाई भरत के नाम पर हुआ था सर. इसकी पॉपुलेशन है 35.42 लाख और इसका एरिया है सर 5069 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर.
सर मैं बहुत सारे फेमस स्थल हैं इसमें, जैसे कि डीके फबारे और लक्ष्मण मंदिर जो सर इंडिया का, इंडिया में कहीं भी नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट यहीं पे पाया जाता है सर। यहाँ पे एक लक्ष्मण मंदिर जो है, जाट महाराजा शासक जो रहे उनका कुल देवता भी माने जाते हैं सर। इनफ। आप हमें इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी कुछ बताइए कि इंश्योरर और इंश्योर्ड ये क्या? जी सर मैं बताना चाहूँगा, इंश्योरर उसे कहते हैं सर जो एक कोई कंपनी जिसके द्वारा जिसके हम बीमा कराने जा रहे हैं वो इंश्योरर है सर, और इंश्योर्ड का मतलब होता है हम खुद, यानी कि कोई कंपनी के थ्रू हम बीमा कराते हैं, हम पॉलिसी होल्डर को ही इंश्योर्ड बोल सकते हैं, यानी बीमित व्यक्ति को हम इंश्योर्ड बोलते हैं और इंश्योरर किसी कंपनी को बोलते हैं जो हमारा बीमा करती है। फ्री लुक पीरियड और ग्रेस पीरियड? जी सर, फ्री लुक पीरियड ये होता है कि अगर हमने कोई पॉलिसी ले ली है, अगर वो पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लग रही, हम उसे रिटर्न करना चाहते तो हमारे पास 15 दिन का टाइम होता है, तो हम उसे वापस कर सकते हैं, उसे हम फ्री लुक पीरियड बोलते हैं। और ग्रेस पीरियड सर ये होता है कि हमने पॉलिसी ले ली, हमने कुछ महीने कंटिन्यू किया प्रीमियम देना, लेकिन हम कुछ महीने एक दो महीने बाद हमने प्रीमियम पे नहीं किया, तो जो हमारी प्रीमियम की जो डेट होती है वो निकल जाती है, तो उसके बाद जो हमें जो एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है ना सर वो ग्रेस पीरियड होता है, जिसमें अगर मंथली हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके लिए 15 दिन का वो टाइम होता है, और एनुअली अगर हम पे कर रहे हैं तो उसके लिए 30 डेज का टाइम होता है सर। अच्छा, फसल बीमा योजना कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी सर बिल्कुल सर, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली किसानों के लिए की गई थी, क्योंकि आजकल बहुत सारी डिजास्टर होती हैं, तो उस वजह से ये इसको लागू किया गया था। ये खरीफ की फसलों में अगर इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, किसानों को जो नुकसान होता है उसका इंश्योर करने के लिए, खरीफ की फसलों में ये 1.5% 2% होता है, रबी की फसल में ये 1.5% होता है, और जो हॉर्टिकल्चर जिसमें बागवानी जैसी फसलें आती हैं उसके लिए 5% इंटरेस्ट हमें पे करती है इंश्योर कंपनी। अच्छा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना? जी सर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में से लॉन्च किया गया था। ये एक बेसिकली एक्सीडेंटल स्कीम है सर, इसकी जो एंट्री एज है 18 से 70 साल तक हम इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी सर खास बात ये है कि हम कम प्रीमियम पे करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट के लिए हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं सर, यानी कि पर एनम 20 रुपये हमें पे करना होता है सर, हमारे लिए एक्सीडेंटल बीमा एक योजना बन जाती है सर, जिसमें अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख रुपये मिलते हैं, और अगर हम विकलांग चाहते हैं या फिर पूरी तरीके से डिसेबल नहीं हो पाते तो हमें 1 लाख का हमें इंश्योरेंस मिलता है सर। आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर जब भी मुझे कभी लगता है कि मुझे अकेला काम करने की आवश्यकता, तो सर मैं अकेला काम करना भी पसंद करता हूँ, लेकिन बट मैं मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी हमेशा कि टीम वर्क ज़्यादा, टीम वर्किंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर हम जब लोगों के साथ बैठे होते हैं या फिर लोगों के साथ टीम वर्क करते हैं, तो जो चीज़ हम अकेले अचीव नहीं कर सकते वो टीम के साथ बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं स्पेशली मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और डिटरमाइंड पर्सन हूँ। मेरा मैंने LIC के साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने LIC एजेंट 11 लाख प्रीमियम कलेक्ट किया है, मुझे कंप्यूटर नॉलेज भी है सर, मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी हूँ। मैं इसके अलावा मैं एमिएबल और वर्सेटाइल पर्सन हूँ सर, मैं आपके सिलेक्शन की कसौटी पर खड़ा उतरूंगा। अच्छा, जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कुछ बताएं? जी सर, जीवन ज्योति जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में से लॉन्च किया गया था। इसकी एंट्री एज 18 से 50 है सर, इसमें 2 लाख का हमें इंश्योरेंस कवर मिलता है, और पर एनम 436 रुपये हमें प्रीमियम पे करना होता है, इतने कम प्रीमियम में हमें 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है सर। चलिए मान लीजिए इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? जी सर बिल्कुल सर, मेरा कैरियर में सबसे एक ही एम रहा है LIC EW बनने, और सर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस स्टेज पर यहाँ पर इतने 2 एग्जाम क्रैक करके तीसरे फेज में एंट्री किया हूँ। राइट सर, मैं एक कॉन्फिडेंट हूँ और कॉन्फिडेंट है कि मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है किसी वजह से, तो मैं सर अपने आप जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने अंदर कोई वीकनेस है उसे देखूंगा सर, उस पर वर्क करूंगा और उसे सर उसे रिकवर करके और नेक्स्ट इंटरव्यू में सर सिलेक्ट होने की कोशिश करूंगा। और सर कहते हैं कि ट्राई एंड ट्राई अगेन, आई बिलीव कि ट्राई एंड ट्राई अगेन। वेरी, बहुत अच्छा, चलिए आपने अपने से बेस्ट इंटरव्यू दिया, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स। ओके थैंक यू सर, कीप इट अप।